अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया है पाकिस्तान के मामले पर बोलने से। व्हाइल द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर अपीयर टू कंफर्म दैट द इंडियन गवर्नमेंट कैरीड आउट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स इन पाकिस्तान, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? So we have been following the media reports about this issue. We don't have any comment on the underlying allegations, but of course, while we're not going to get in the middle of this situation, we encourage both sides to avoid escalation and find a resolution through. भारतीय वजीर दिफा के पाकिस्तान में शहरियों की कत्लो गारत के इतराफ पर अमेरिका को तशवीश। भारत अल्जामात के दरमियान नहीं आना चाहता, पाकिस्तान और भारत मसाइल का हल बातचीत से तलाश कर। उल्टा उसने पाकिस्तान को नसीहत जरूर कर दिया। अमेरिका ने रिफ्यूज किया है कि वो ऐसे किसी मामले पर तबसरा नहीं करेगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से 20 लोग जो पाकिस्तान में मारे गए। देखो सुनो, तुम्हारे साथ सऊदी अरब खड़ा हो, तुम्हारे साथ अमेरिका खड़ा हो, तुम्हारे साथ चाइना खड़ा हो, तुम्हारे साथ कोई भी देश खड़ा हो, कख नहीं होने वाला। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका के इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर हैं, वहां पर न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका स्नब पाकिस्तान। ये इंडिया लेकर आया है पूरी दुनिया को उस जगह पर जहां पर अब जिससे भी आप सवाल करेंगे वो आगे से कहेगा आप हल कर लें, आपस में आप डायलॉग करें, बच्चे थोड़ी हैं। कि अगर हम कशकोल लेके नहीं भी जाते लेकिन वो समझते हैं कि फिर आ गए मांगने के लिए। कटोरा लाओगे, हम उसमें रेवड़ियां फेंकेंगे, तुम्हारा देश चलेगा, फिर तुम आओगे। मतलब कभी तुम खुद मेहनत करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, कि हराम की खानी है जिंदगी भर? टीका ने बोला, यार देखो ऐसा है कि जो मीडिया में आई गई रिपोर्ट है ना, हम उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करते। साफ बोल दिया उसने कि जो मीडिया पे रिपोर्ट आई है हम उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करते। मैं आपको बताता हूं एक बात, मीडिया में तो कई रिपोर्ट आई हैं जिसके ऊपर कमेंट करता है यूएस और पूरी दुनिया कमेंट करती है, ऐसी बात नहीं। और वो भी गोरों का अखबार, उस पर कमेंट ना करे। मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, नेट नेट में आपको एक बात बता रहा हूं, नेट नेट जब पाकिस्तानी फड़का दिया जाता है किसी को दो कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानियों को खुद फर्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट यह है कि भाई मैथ्यू मिलर है यूएस का स्पोक्स पर्सन, ठीक है जी, स्टेट डिपार्टमेंट का। मैथ्यू मिलर कहता है कि हम लोग फॉलो कर रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स इस इशू के बारे में, हमारा इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है, और जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो तोहमत लगाई गई है, जो आरोप लगाए गए हैं, उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है, हम इसके ऊपर कमेंट नहीं करते, हम इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करना चाहते, हम कोई कमेंटबाजी इसके ऊपर नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान आपस में बैठ के बात सॉल्व कर लें, मैटर सल्टा लें, ठीक है जी। पाकिस्तान बहुत बेइज्जत हुआ है क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था जब से गार्डियन ने स्टोरी छापी है, पाकिस्तानी जैसे ये लोग बड़े बावले टाइप के हो जाते हैं ना पाकिस्तानी, तेल निकल गया, तेल, इमरान खान ने बोला कराची के आगे तेल निकल गया, तेल निकल गया, तो पूरी कौम नाचने लगी, राइट। फिर कोई बोलेगा जर्नलिस्ट के मेरे पैर के नीचे $250 अरब का कोयला पड़ा है, पूरी कौम नाचने लगी, यहां से गैस निकली है, पता लगा गैस कहीं से निकली नहीं थी, वो शेख रशीद बात कर रहा था, बस वही उसी को गैस समझ लिया इन लोगों, गैस हैवी वो खैर। यही चीजें पाकिस्तान को चकमा दे देती हैं। अब देखो इनका ये कहना है पाकिस्तानियों का कि भाई भारत ने मारा है इन लोगों को, 20 जो पाकिस्तानी आइडियल सिटीजंस ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट, आफ्टर ऑल दे आर टेररिस्ट्स, और भारत ने इसको मेलेशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भारत ने मनाया। भारत ने बोला मैं कर ही नहीं कुछ, बच्चों वाली बात कर रहे हैं, इतने बड़े हो गए मैच्योरिटी नहीं आई। अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया है पाकिस्तान के मामले पर बोलने से। अमेरिका ने रिफ्यूज किया है कि वो ऐसे किसी मामले पर तबसरा नहीं करेगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से 20 लोग जो पाकिस्तान में मारे गए, और उसमें गार्डियन की रिपोर्ट भी आई कि 20 लोग पाकिस्तान में कई सालों के अंदर मारे गए हैं, और उसमें ये राह की साजिश है, और वहां से जो है ये प्लान किया गया, और यूएई में ऑपरेटिव्स मौजूद थे, उन्होंने एक कत्ल करवाया। और उसके बाद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। इसके ऊपर सवाल किया गया है मैथ्यू मिलर से। आप जानते हैं कि ये सवाल जवाब का सिलसिला डेली बेसिस पे उनकी जो ब्रीफिंग्स होती है अमेरिका में वहां पर होता है, तो मैथ्यू मिलर साहब से ये सवाल किया गया कि जनाब ये जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच चल रहा है, और जो 20 लोगों के मारे जाने की इत्तला है कि जनाब उसके अंदर जो है वो इंडिया की तरफ से ये काम जो है करवाया गया है, ये जिहादी थे, यानी जो भी कश्मीर से मुतालिका जिहाद से मुंसलिक उन 20 लोगों को मरवाया गया है, और जो ये मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैथ्यू मिलर ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, हम इसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं करेंगे। तो यानी ये कि ये सऊदी अरेबिया के रिफ्यूजल के बाद ये अब अमरीका की तरफ से भी जो है रिफ्यूजल आ गया। अमेरिका ने भी रिफ्यूज कर दिया कि हम इस इशू पर कोई बात नहीं करना चाहते। देखें ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों का कत्ल हुआ, उनके लिए ये मामला ही कोई अहम नहीं है। अब देखिए बात क्या है, बात यह है कि वही जो मैंने आपसे कहा, पहले कहा है, कई बार कहा है, सऊदी अरेबिया का विजिट पे जो अब गए हैं प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको कहा था वहां पर इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, और पाकिस्तान ऐसा कोई भी मुद्दा उठाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा उसका।
तो वो कश्मीर के इशू पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बायलैटरल इशू है आपका, मिलकर बात करें, यानी उन्होंने इंडियन स्टैंड को सपोर्ट किया। इंडियन स्टैंड भी ये कहता है बायलैटरल है, कोई थर्ड मीडिएशन नहीं, उन्होंने भी यही कहा। तो पहले सऊदी अरेबिया की तरफ से इनकार आ गया और अब अमेरिका की तरफ से इनकार आ गया, उन्होंने कहा हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। हुआ कुछ यूं है कि मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में इंडिया के हवाले से सवाल किया गया और ये उनसे पूछा गया कि जनाब ये सिलसिला है, और ये रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है उसके बाद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो जो कुछ कहा गया, तो उन्होंने इसके ऊपर कहा कि मैं इसके ऊपर कोई कॉमेंट्स नहीं करना चाहता, रिफ्यूज कर दिया उन्होंने इसके ऊपर कॉमेंट्स करने से। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा हैं वो फ्राइडे को पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने बातचीत की है और दोनों ने दोनों कंट्रीज की जो है बड़ी क्लोज पार्टनरशिप की बात हुई है, जिसमें इंसदादे दहशतगर्दी को जो है वो दहशतगर्दी खत्म करने की और फिर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और इस सिलसिले में जो है वो पार्टनरशिप की उसको मजीद आगे ले जाने की बात हुई। सर हमारे हमसाए मुल्क भारत में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वहाँ पर एक छोटे से घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की जो है उन्होंने तारीख रकम की है, पहली हिंदुस्तान की अदलिया की जज बनी है। क्या कहना चाहेंगे? हमें हमेशा ये बताया गया, दिखाया गया कि वहाँ पर जो है ख़वातीन के साथ बड़ा जुल्म और सितम हो रहा है, लेकिन हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि वहाँ की जब ख़वातीन को एम्पावर किया जाता है, वहाँ की बच्चियाँ जब पढ़ लिख कर आगे सामने आती हैं, अदालतों में जज बनती हैं, तब ये हमारा मीडिया क्यों नहीं दिखाता, क्यों नहीं बताता? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिखाया गया है, जो पढ़ाया गया है, वो ठीक नहीं है। उसमें एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक किसी मुफ्ती साहब के पास ना किसी ने क्वेश्चन भेजा था कि रोज़ों के दौरान क्या मुतालिया पाकिस्तान पढ़ना जायज़ है। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अजीब सा सवाल है, क्या मतलब आपका? तो उन्होंने कहा देखें मुतालिया पाकिस्तान में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब झूठ ही तो लिखा हुआ है। तो जब आप अपने लिटरेचर में या अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको बंद करें। अब उसमें जहाँ तक वीमेन एम्पावरमेंट की बात है, और उसमें सारी दुनिया में मूव है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, और इंडिया इस वक्त लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो कुछ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और वो कश्मीर है या कोई और उनका राजस्थान है, उसमें देखिए उनकी जो एम्पावरमेंट है वीमेन की वो बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत पीछे है अभी। द वन रीजन दैट कुड बी दैट इंडिया ने टाइम एंड अगेन इतना अपने नैरेटिव को मजबूत कर लिया है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर आके या कश्मीर में दहशतगर्दी कराता है, ये नैरेटिव इंडिया ने ग्लोबली बहुत सेल किया हुआ और दुनिया लार्जली इस नैरेटिव को बाय करती है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि माइक पोम्पियो आए हुए थे, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हाँ जी ये जो दहशतगर्दी है ये सिर्फ इंडिया का कंसर्न नहीं है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी और अमेरिका का भी कंसर्न है, और हम पाकिस्तान से पूछते रहते हैं सवाल से। सो पाकिस्तान जब कहेगा तो वो समझेंगे कि शायद पाकिस्तान कुछ नई कंपेन शुरू करने जा रहा है, या जिस तरह माजी में पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करता रहा तो वो कहेंगे शायद उनको दोबारा वो कंपेन लॉन्च करेगा, लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को नहीं कहेंगे। उसकी वजह ये है बिकॉज उनको उनसे ये तो यही तो वो शख्स हैं राजनाथ सिंह साहब जो पूरी दुनिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं आजकल, ये राफेल भी लेते हैं, ये S-400 भी लेते हैं, ये अमेरिका से ड्रोन भी लेते हैं, ये इसराइल भी जाते हैं वहाँ से भी जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर लेते हैं। सो लार्जली उनकी जो स्टेटमेंट है उसको इग्नोर किया जाएगा ग्लोबल स्टेज पे कि इसके कोई इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तानी को बंदा करेगा तो उसके इमीडिएटली कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसकी वजह शायद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस है इसका पोर्टफोलियो फौज के पास है।